इतने में भगत जी की दृष्टि पड़ी, नारद देखा लागी देवऋषि नारद जी को जयंत पर दया आ गई। बोले कहां दौड़ रहे हो, दिखाया। तो नारद जी ने कहा बेटा जगत त्रास देता है तो उनकी शरण लेते हैं लोग, तुम वहीं बैठ कर आया, अच्छा नहीं। कहां दौड़ रहे हो? जयंत बोला कोई रख ही नहीं रहा है। बोले कोई नहीं रखेगा, राखी को सकई राम कर द्रोही। जितने राम द्रोही हैं, सदग्रंथ द्रोही हैं, वेद विरोधी हैं, सब लाइन से लग जाएंगे। हाँ सब सब जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करने वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य को जीवन में उत्पात करने से बचना चाहिए। हम जो जानते हैं वो सही नहीं है। सब लोग जिसको सत्य मानते हैं वो सही है, अनेक प्रमाण है। और एक घटता है, आप दर्शन करिए, घटता ही है, कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति अपना व्यवहार करती है। हो जयंत ने कहा क्या करूं, बोले वहीं जाओ। क्या कहूंगा, कहना मैंने भेजा है। दो वाक्य ध्यान रखना, प्रभु अपने कर्मों का फल पाके मैं शरण में आ गया, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। वो तुम्हारे पर कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। हाँ? सामान्य जीव को ये विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान हमारे पर करुणा करेंगे, क्योंकि उसकी तो अपनी ऐठन रहती है ना। जब तक वो भोग नहीं लेता है तब तक शांत नहीं होता। देखिए इसका मिला आया त्राही त्राही दयाल रघुरा, मैं मतिमंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकिया। हे नाथ त्राही माम त्राही माम शरणागतोस। बाप भवानी जी थोड़ा रुष्ट हैं जयंत के व्यवहार से। भगवान ने पूछा गए क्यों, सरकार भयबस। आए क्यों, नारद जी महाराज ने कहा तू निर्भयता बस आ जाए, कि सरकार शरण में आए कि रक्षा कर। भगवान की टेक देखिए ना, कहते हैं प्रभु कोटि विप्रबध लागी जाही, आए शरण तजऊं नहीं। करोड़ों करोड़ों विप्रबध किया, अरे ऐसा करते हैं आने नहीं, लेकिन जो ऐसे कर्म करने वाले हैं वो शरण में जाते ही नहीं।
शरण में वही जा सकता है जिसका जीवन सरल हो। बिरल पहुंचेगा ही नहीं। ग्वालियर के पास श्री हनुमान जी महाराज का एक दरबार है, डॉक्टर हनुमान, दंदरुआ सरकार। विशेषता क्या है? वो विधि है 5 या 7 या 15 21 जो भी बतावे श्री पुजारी जी महाराज, उतने मंगल श्री हनुमान जी का जाके दरबार में दर्शन करिए। कैसी पुरानी से बीमारी होगी तो पुरानी बीमारी नष्ट हो जाएगी डॉक्टर हनुमान के चरण में जाने पर। अच्छा महाराज, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन जो श्री पुजारी जी महाराज बताते हैं क्रम से उतना कोई पूरा कर ही नहीं पाता है। कोई न कोई विघ्न आ जाएगा, कोई न कोई बाधा आ जाएगी। नागा नहीं होना चाहिए। शुरू किया तो पूर्णावति तक वो दिन इधर उधर न हो। मैंने कई लोगों को भेजा, पूरे नहीं कर पाए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? व्याधि तो प्रकृति का व्यवहार है ना। श्री हनुमान जी तो रोग होगा उसको ठीक करने के लिए आने देंगे। जब आप विघ्न पैदा करोगे तो रुकावट हो जाएगी। ऐसी महिमा श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।